दोस्तों दिल्ली कैपिटल टीम को छोड़ के आखिरकार ऋषभ पंत शामिल हुआ रातों रात ही सीएसके टीम पर, जिसके बाद ऋषभ पंत ने दिया दिल्ली टीम को लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान। बताएंगे पूरा खबर की जानकारी, क्या कुछ कहा ऋषभ पंत दिल्ली टीम को लेके। उससे पहले आप लोग भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें। दोस्तों आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों की जानकारी कर बताऊं, ऋषभ पंत जो चोटिल चल रहा था, चोट पाने की वजह से जो उनका आईपीएल 2023 में उनका प्रदर्शन नहीं देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों इस बार 2024 में पूरा तरीके से रिकवरी होके एंट्री कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस बार दिल्ली टीम से नहीं सीएसके टीम की तरफ से खेलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, सीएसके टीम में यहाँ पर करीब 40 करोड़ लेके शामिल हुआ है यहाँ पर ऋषभ पंत। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है ऋषभ पंत को सीएसके टीम का कप्तान भी सौंपा जा सकता है। लेकिन दोस्तों एक विकेट कीपर बल्लेबाज को एक कप्तान पर जो महेंद्र सिंह धोनी जैसा लगेगा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी भी एक विकेट कीपर बल्लेबाज है और सीएसके टीम से कप्तानी करता है और अभी इस बार का आईपीएल नहीं खेलने वाला है, जिस वजह से एक अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज को तलाश है और मिल भी चुका है सीएसके टीम को। इसके बाद दिल्ली टीम को लेकर बयान ने बताया, मेरे को बहुत ही कम पैसा मिल रहा था दिल्ली टीम से खेलने की वजह से, लेकिन अभी मेरे को बहुत ही अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, जिस वजह से मैं सीएसके टीम में शामिल हुआ हूँ और हमेशा सीएसके टीम की तरफ से ही खेलने वाला हूँ। तो दोस्तों ऋषभ पंत के इस बयान को लेकर आप बंधु की क्या राय है, अपना राय जरूर बताएं।